कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजूहत रही कि कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में शामिल हो गए? मैं पूरी ईमानदारी से संगठन का काम, जब से मैं कांग्रेस में था 19 के चुनाव के बाद, लगातार मैं काम कर रहा था। प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मिली थी और अवध जोन का प्रभारी बनाया गया था। हम पूरे जोन में हर जनपदों में लगा के 13 जनपद थे, सब जगह हम लोगों ने काम किया। हरदोई हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बाराबंकी हो, हमारा प्रयागराज हो, सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, अयोध्या हो, अंबेडकर नगर हो, ये सारे जनपद, भदोही वगैरह हमारे उसमें थे, फतेहपुर से कौसाम्बी तक हमने पूरा प्रयास किया और पूरी मजबूती के साथ हमने पार्टी को ताकत देने का काम किया। लेकिन पार्टी के नेतृत्व में कथनी और करनी में फर्क नज़र आया, क्योंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, जहाँ पर भी रहते हैं मजबूती से हम लोग उस पार्टी को ताकत देने का काम करते हैं। और हमें ये लगा कि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है जो पार्टी को और मजबूत करें। इधर मोदी जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया है, राष्ट्र को मजबूत किया है, इनसे भी हम लोग प्रभावित थे। और योगी जी की जो सरकार 5 साल उत्तर प्रदेश में चली है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश में, चाहे विकास की बात हो या उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब बातों से प्रभावित होकर के हमें ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में असली समाजवाद है, सभी लोगों को बढ़ाने के लिए, जो मेहनत कश कार्यकर्ता हैं उनको आगे ताकत देने के लिए इस पार्टी में जाना चाहिए, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सचान जी, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो सही फैसले नहीं रहे था, उन फैसलों से आप कुछ फैसलों से नाराज थे, क्या आप बता सकते हैं वो कौन से फैसले थे जिनसे आप नाराज होकर? अब ये कोई ऐसे फैसले नहीं है, कुछ फैसले हैं मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन जो हमने कहा, जो हमसे वादा किया गया वो नहीं निभाया। क्या आप आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम तो पार्टी में बिना शर्त आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हम आए हैं, इसके पहले भी 19 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चाहते थे कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं, और बड़ी, लेकिन उस समय मैं कांग्रेस में गया था। उसके पहले 14 में भी बड़े नेताओं ने हमसे संपर्क किया, तब भी हमको लोग चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में आवें। हमें ये लग रहा था कि देर आए दुरुस्त आए, हमें पहले ही फैसला यहाँ लेना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं यहाँ नहीं आया। और जब आए, देर आए दुरुस्त आए, जो कार्यकर्ता की हैसियत से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ऐसे राकेश सचान जिनका कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, अब जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से देगी, उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध आसमानी, भारत समाचार, दिल्ली में।